14th अक्टूबर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच, एक ऐसा मैच जिसमें इंटेंसिटी, इमोशन और एक्साइटमेंट सब पीक लेवल पर रहता। बार बार ऐसे मैचेस देखने का मौका मिलता नहीं, तो मैं सोचा क्यों ना इस मौके पे चौका मारा जाए। मैं निकल पड़ता हूँ यारो अहमदाबाद की तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने। मैच देखने तो आ गया मैं, बट मेरे पास टिकट ही नहीं है। भाई क्या सीन है टिकट का? सुबह के बज रहे 11, इंडिया टीम की जर्सी पहन लिया, एकदम रेडी हो गया, सुपर एक्साइटेड, बट अभी तक टिकट का जुगाड़ नहीं हुआ। बहुत लोगों से कॉन्टेक्ट करा, कोई 10,000 की टिकट 1,00,000 में बेच रहा, कोई 20,000 की टिकट 2,00,000 में बेच रहा, हैवी प्राइजेस यारो, तो वही जुगाड़ करूं। एक बंदे से बात हुई, उसे मिलने जा रहा हूँ, प्राइस में थोड़ा सेटलमेंट कर रहा हूँ, इतना महंगा भी नहीं रहे भाई, जो कम से कम प्राइस में मेरे को दे दे, उससे बातचीत चल रही। तो एक बंदा है, उससे मिलने जाऊंगा, वहां से टिकट कलेक्ट करूंगा और वहां से फिर मैं जाऊंगा। वो बंदा कौन है तुम ना देखो, तुम लोग भी मालूम पड़ेगा कौन है वो बंदा जो मेरी टिकट लेके आया। तो भाई जो बंदा मेरे लिए टिकट लेके आया, वो बंदा जो आया है वो भी मैच देखने आया। बंदा कॉल आया, मैं तो मामा अम्मा को भी बोल रहा था तुम लोग भी आ जाओ, जब गाड़ी में बैठे हाँ। तो लोग बट वो लोग बोले जाने दो। अरे यार ठीक है, कोई नहीं, स्नैक्स कॉल आया मेरे को भाई का, बोलते भाई मैं भी आ रहा हूँ, तेरी टिकट नहीं हो रही ना, मैं भी तेरे लिए टिकट लेके आ रहा हूँ। डिसाइड नहीं करना प्राइस यार, क्रिकेटर मैन, नूमून द क्रिकेटर, फर्स्ट टाइम मैच में ग्राउंड में देखना। आईपीएल गया था, इंटरनेशनल, इंडिया का इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम, इंटरनेशनल मेरा भी फर्स्ट टाइम है। स्टेडियम पहुंच गया एरो, और जो चैंट सर रहे ना भाई भयंकर एरो, अभी शांति हो गई, अभी मैच चालू होने वाला है 15 मिनट के अंदर अंदर, भाई अंदर जाते जो गूज़बम्स मिलने वाले। ऐसा है कि इसका दोनों का ही पहला फर्स्ट इंटरनेशनल मैच है जो वो हम लोग पता है, लेकिन हम दोनों का सीट अलग है, बहुत सीट थोड़ा अलग अलग है, अब देखते हैं। थोड़ा सा मैंने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, इन्होंने कुछ ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, मैंने लिमिट थोड़ा अपनी बैंक बैलेंस के हिसाब से किया, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से, तो देखते क्या सीन अंदर जाके और एंजॉय करते हैं। तो सीन ऐसा हो गया यारो, मेरे को रिटर्न आना पड़ा, मेरी एंट्री तो वहीं से थी गेट नंबर 2 से, बट मेरे को नीचे जाना था, मेरा कॉर्पोरेट जो बॉक्स है, मेरी जो टिकट है इट्स नॉर्थ कॉर्पोरेट बॉक्स, मेरी एंट्री नीचे से, मॉडल का जो बॉक्स है, मॉडल जो टिकट जान लिया, आई गेस प्रीमियम सूट में लिया, तो उसकी एंट्री दूसरी जगह से, तो निकल रहा हूँ नॉर्थ कॉर्पोरेट बॉक्स। मैच चालू हो गया, भागा भाई बहुत। तो ऐसा सिस्टम है यारो, आपको लंच वगैरह सब कुछ पूरा प्रॉपर मिलता है, ये कॉर्पोरेट बॉक्स है, ये मेरा बॉक्स है, ऐसा 1, 2, 3, 4 बॉक्स रहते हैं, एंटर करते फुल व्यू, ऐसी पूरी सीटिंग मिलती है, यहाँ पे एसी में चिल कर सकते हैं, बाहर जाके अभी मैच देख सकते हैं, बाहर भी पूरी सीटिंग है, एसी में बैठना है तो एसी में बैठो, बाहर जाके एंजॉय करना, बाहर जाके एंजॉय करना। स्टेडियम देखो बस, जस्ट लुक एट दिस यार, हर एक बंदा इंडियन जर्सी में, ब्लू जर्सी में, पूरा स्टेडियम पैक्ड है, अभी भरा नहीं, शाम तक और अच्छे से भर जाएगा स्टेडियम। बुमराह भाई डाल रहे हैं, बुमराह भाई ये बॉल पे विकेट होना, मेरे को होना चीचा, होना प्लीज। आवाज सुन रहे पब्लिक, आवाज सुन रहे, ऐसा जोश यारो, पहला ब्रेक थ्रू यारो, फर्स्ट ब्रेक थ्रू, लेट्स फकिंग गो, फर्स्ट ब्रेक थ्रू यारो, वाइब। स्कोर चल रहा है 48-1, 9 ओवर हो गए, सिराज भाई विद द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, बाबर भाई आ गए। भाई तुम क्राउड देखो यारो, क्राउड देखो, बस क्राउड देखो, देखते जाओ कैसा बैठे हुए ब्लू जर्सीज पहन के सारे के सारे, आज पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम ब्लू है यारो, सारा का सारा, तुम बस क्राउड देखो भैया, क्राउड देखो पूरा पैक, चींटियों के ऐसे दिख रहे छोटे छोटे सारे के सारे। और ये अपना मैच का व्यू, अपने सिराज भाई धार रहे हैं यारो हैदराबाद का पावर, पहली विकेट ले लेते हुए, देख रहे क्राउड का रिएक्शन, देख रहे भैया यहाँ पे मेरी जान कड़ा है, देखो कोहली भाई को देखो यारो, बेहतरीन कोहली भाई, पांड्या भाई ब्रेक करते हुए, पांड्या भाई विकेट ले लिया, पब्लिक देखो यारो, सबके अंदर जोश आ गया, अभी सब ठंडे पड़ गए थे, क्या बोलते क्या सब ठंडे पड़ गए थे ना, अभी एकदम पूरा हिला दिया। एनर्जी देख रहे, इंस्टेंट ऐसा लग रहा सब जनों को खाना खिला दिए, एक विकेट मतलब खाना, जितने लोग भी बैठे एक विकेट ले लो, कोई भी खाना मिल जाता पब्लिक को। जय कुलदीप भाई को एक ओवर डालने दिया, उसके बाद सीधा बाय बाय बोल दिया, बेचारे का पहला ओवर जरा हैवी गया। क्या बात है,
DRS हो गया, LBW मिसिंग था, विकेट्स मिसिंग थे, अभी प्रेशर दब गया यार, ऐसा प्रेशर दबा पाकिस्तान के बैट्समैन को जाना पड़ता वॉशरूम में, वैसा प्रेशर है। और पूरी ऑडियंस फुल जोश में, सारे के सारे जोश में, हमारे अंकल लोग भी सब जोश में। ओ भाई अंकल नहीं बोल, अरे सॉरी भैया लोग, मेरे भैया लोग सब जोश में आ रहे हो, और मजा आ रहा, पूरी वाइब आ गया, मैच की असली वाइब आ रही है। आप कुंदल कुंदल के मारेंगे, अभी शाम हो दो, अंधेरा हो दो, जरा छाव आन दो, उसके बाद देखो तुम। भाई को मेरी हैदराबादी पसंद आ गई, आपकी किरकिरी हैदराबादी, अब मैच एंजॉय कर। ओ भाई गूज़बम्प्स, भाई गूज़बम्प्स, भाई गूज़बम्प्स, ओ भाई भाई गूज़बम्प्स आ रहे हो, गूज़बम्प्स आ रहे हो, गूज़बम्प्स आ रहे हो। सिराज भाई हैदराबाद यहाँ जहाँ जाते हैं मौत डाल देते, माँ की गिरगिरी दो विकेट, बोला ना भाई क्या बात है, टिकट देखो, क्या बात है। कुलदीप जितने लोग ऐसी खा रहे थे सारे के सारे बाहर आ गए यारो, ऐसा जोश है मैच का, इंडिया पाकिस्तान बाहर है यारो, इंडिया पाकिस्तान ये वाइब है। आओ ना यारो, भाई वापस एसी में जा रहे, एक विकेट के जोश के लिए वापस आए, बाहर वापस चले जा रहे हैं। इंडिया जीत तो गई, अभी क्या सीन है, इंडिया जीत गई, मैं पार्टी दूंगा, पार्टी दोगे पक्की बात, साथ में गरबा हो जाए, हैदराबाद से क्या बात कर रहे हैं आप, पूरा वर्ल्ड कप देखने आए, खाली मैच देखने आए, एक नंबर यार, एक नंबर, अपने हैदराबाद की पब्लिक भी आए, अपनी हैदराबाद की पब्लिक भी है यार, आज अपना हैदराबाद का खून हमारे सिराज भाई मौत डाल दिए, हैदराबाद यहाँ जहाँ जाते मौत डाल देते, आंदो बस ये एक ही पुट्टा है यारो पाकिस्तान का, रिजवान भाई इसको निकाल लिए ना, खत्म हो गया मैच, सेकंड इनिंग्स देखने की जरूरत नहीं, क्या फील्डिंग है रोहित भाई बोलते द हिट मैन, फील्डिंग में एफर्ट्स देखो यारो, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, और क्या सात विकेट गिर गए, बुमराह भाई जब भी आ रहे गिल्लियां उड़ा दे रही, तो बाकी के जो तीन बैट्समैन बचे हुए कई को आ रहे समझ में नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी सेकंड इनिंग चालू करो, नवरात्रि भी जाना है, गरबा खेलना है, मेरी जान बोली मेरी जान, भाई हाथ दिखाए, भाई हाथ दिखाए, अपने को हाथ दिखाए, चीकू, गूज़बम्प्स यार, गूज़बम्प्स, क्या बात है यारो ये लोग 200 भी नहीं मारे, 192 का टारगेट है, ऑल आउट कर दिया इंडिया वाले, 200 तो हमारा अकेला गिल मार देता है, तो रोहित मार देता है, हिटमैन है और गिल है, पर जो भी हो जीत रहे तो अपन लोग ही जल्दी जल्दी जीत के जाके गरबा करना है, नवरात्रि खेलना है, क्या बोलते भाई, एकदम बराबर ना, टारगेट इजी है, बस पहला स्पेल थोड़ा आराम से खेले तो निकल जाता, चाय पियेंगे और बाहर जाएंगे। What's up, boy? Job you, eh?
यहाँ से व्यू देखो यार, पूरा स्टेडियम दिख रहा, क्या बॉल दिखेगी भाई यहाँ पे। बस सेकंड इनिंग चालू होने का वेट है, कब से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय किया भाई। क्या व्यू है, क्या बॉल दिख रही है, पूरा प्रॉपर एकदम पूरा मैच देखा है बैठ के। बवाल व्यू है रे भाई, 200 भी नहीं मारे यार, हमारा गिल रोहित अकेले 200 मार देते, अभी मजा आएगा, बहुत तोड़ेंगे गिल, विल तोड़ेगा, मजा आएगा यार, बहुत इनसेन व्यू है, बहुत इनसेन। देखो ना इसके टांगा खींच रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं भयंकर, हैवी स्ट्रेचिंग कर रही, फुल टॉक चल रहा है भाई, क्या कर सकते हैं मैच में। आ जाओ यारो, सेकंड इनिंग चालू हो रही है, पाकिस्तान की टीम आ गई, इंडिया के ओपनर्स गिल और रोहित भाई रेडी है भाई। पहला बॉल चालू होने वाला है, शाहीन अफरीदी भाई हमारे फर्स्ट स्पेल डालते हुए, आंदो चीचा आंदो, ओ पहली बॉल चौवा, पहली बॉल ही चौवा भाई, ये हमेशा कहते हैं, जब भी कोहली वॉकिंग करता है स्टेडियम खुश हो जाता है, और सेम दोस्त और धोनी, कोहली भाई एंट्री मार दिया, गिल बेचारा आउट हो गया, रोहित भाई मार रहे यारो, चौवे पे चौवा, चौवे पे चौवा, जब से लास्ट मैच सेंचुरी है ये तब से फॉर्म में है भाई, भाई सिक्स का वेट है, सिक्स मजा आएगा, नुमून को सिक्स देखने का, अरे भाई अगर यहाँ तक छक्का आ गया ना भाई, इम्पॉसिबल है वैसे, बहुत ह्यूज सिक्स है, कोहली भाई की कवर ड्राइव, पब्लिक पागल है, शॉट देखो यारो, मिडिल ऑफ द बैट, आंदो मारता था, क्लास प्योर क्लास, प्योर क्लास यारो, क्या शॉट है, गैप में भी गया, शॉट है भी, पूरी इनिंग्स का पहला छक्का रोहित भाई के बैट से, एज ऑलवेज हिटमैन यारो, 50 रन की पार्टनरशिप कब होगी मालूम भी नहीं पड़ा यारो, रोहित भाई छक्के पे छक्का, 44 कब मार दिया मालूम भी नहीं पड़ा यारो, फुल फॉर्म में हमारे भाई, T20 समझ के गिर रहे माका साथ, 200 रन मारे पाकिस्तान वाले, 192 इतना तो अकेला हमारा रोहित मार देता यारो, क्या बोलते भाई, सही है भाई, सही है ना, जल्दी घर जाने का है, जल्दी घर जाने का है, बराबर गरबा करने का, नवरात्रि आ रही है, कल गरबा है, अरे यारो अपने किंग चिच्चा आउट हो गया यारो, नाराज है यारो, नाराज है, शॉट से नाराज है, क्लियर कट दिख रहा है, शॉट से नाराज है यारो, हाफ सेंचुरी भाई, रोहित भाई की हाफ सेंचुरी है भाई, लाइव देखा यारो पुल शॉट रोहित भाई का, हमेशा टीवी पे देखते हैं लाइव शॉट है, क्या शॉट है भाई, इनसे बेटर पुल शॉट कोई नहीं मार सकता भाई, इनसे बेटर कोई बैट्समैन नहीं यारो पुल शॉट जो मारे, डिनर लेके आ गया यारो जबरदस्त, ऐसा बॉक्स रहता एकदम खीरा की तरह, मैं बैठे हूँ और सामने मैच चल रहा है साथ साथ, मैच अपन जीत गए वन साइडेड, ये तो मालूम ही है तुम्हारे को यारो, फटाफट डिनर करता हूँ उसके बाद बाहर जा यारो, मैं डिनर करने के आ गया, 150 रन मार भी दिया यारो रोहित भाई 85 पे, आन दो भाई, रोहित भाई आउट हो गए यार, सेंचुरी चाहिए थी यार, स्टॉप स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे भाई, स्टॉप स्टैंडिंग ओवेशन रोहित भाई के लिए, केएल राहुल आ रहे यारो, अरे यारो जल्दी मैच खत्म करो यारो भाई, 169 पे 3 विकेट यारो, 26 ओवर हो गए पूरा, अभी स्टेडियम थोड़ा ठंडा पड़ गया, तो बहुत स्लो गया यारो, खत्म करो अय्यर भाई, तुम्हें हाफ सेंचुरी मारो छक्का मारो खत्म करो यार, सही है मतलब आराम आराम से खेलने के खत्म करना चाह रहे हैं, सही है, पर डॉट बॉल बहुत ज्यादा बता रहे हैं, ये मास्टर माइंड लगा रहे हैं, क्या है बताओ, पैसा आएगा, हाँ टी आर भी आएगी, हैवी सीन भाई, मनी विल फ्लो इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जीत गए यारो, हैंडशेक चल रहा, कदम है, वन साइडेड विक्ट्री फ्रॉम इंडिया, वंदे मातरम टाइम भाई, वंदे मातरम टाइम भाई, सब फ्लैश लाइट्स निकाल लिए, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे, ओ गूज़बम्स भाई गूज़बम्स, देख लो गूज़बम्स, जबरदस्त एक्सपीरियंस, जबरदस्त मैच, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एंड वन साइडेड विक्ट्री फ्रॉम इंडिया यारो, हाउ डिड यू एंजॉय, कैसा था, मजा आ गया भाई, लास्ट में गूज़बम्स आ गया भाई, लेजेंड, तो वंदे मातरम था भाई, गूज़बम्स आ गया, अब यहाँ से सीधा निकलते फटफट निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्राउड मिलेगी, बहुत ट्रैफिक मिलेगी, अभी हम लोग ऑन द वे होटल में यारो, बस में जा रहे हैं सारे के सारे, ये बस में ना आईसीसी के लोगों को सब लगे थे, तो पब्लिक को ऐसा लग रहा है ना हम लोग आईसीसी के प्लेयर्स बैठ रहे, मतलब इंडियन टीम के प्लेयर्स बैठ रहे, अभी है ना उन्हें पब्लिक खड़ी है भाई, अभी
अभी होटल के बाहर है ना, हैवी पब्लिक खड़ी है, क्राउड देख रहे हो, इंडियन टीम का स्टे इधर ही है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, आईटीसी नर्मदा में। रुके सर, कैसा देर झांक मार रहे ओ भाई, ओए चिल्ला रही है पब्लिक, अरे भाई महाकसम अंदर हम चार लोग बकचोदी कर रहे हैं, चार लोग बकचोदी कर रहे हैं भाई, हम लोग आगे आ रहे होटल, जिस होटल में सारे के सारे प्लेयर्स रुके से आईटीसी नर्मदा में, सारे प्लेयर्स यहीं से वॉक इन करने वाले, आते में जो बकचोदी की है भाई, भाई वो नेक्स्ट लेवल था भाई, आपने देखा होगा भाई, इनसेन बना गया भाई, सारे के सारे समझ रहे हम लोग अंदर, मैंने फ्लैश लाइट से सब कुछ कर दिया भाई, चिल्ला रहे सारे, डीएसएलआर से फ्लैश ऑन करके फोटो खींचा, उसने सोचा कैप्चर हो जाएगा कुछ, क्या पता क्या कैप्चर होगा भाई, थोड़ा सा फीलिंग्स के साथ खेल लिया हम लोगों की, बट अभी आने वाले इंडियन टीम अपनी आने वाली है बस में, सारे के सारे आने वाले प्लेयर्स, कोहली भाई को सामने देखने वाला हूँ, सामने देखने वाला हूँ वॉकआउट करते हुए, इनसेन सीन होने वाला है, इनसेन। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, अरे यार थोड़ा देखने मिल जाए, वो लोग उसी साइड से चले जा रहे हैं यार, इंडिया दिल्ली भाई चले गए यार सारे, अरे यार वो लोग अलग एक्सेस से चले गए, उनका अलग एंट्री बना है होटल का पूरा, वहाँ से वो लोग निकल के आ रहे हो अलग से लिफ्ट लेके, स्कैम होगा जरा सा, बट दूर से देखने मिला कुलदीप यादव भाई, हाई करे अपने को, और कोहली भाई को देखना था यार, कोहली भाई से मिलना था, बट कब मिलूंगा मेरे को खुद को नहीं पता भाई, कोहली भाई से एक बार मिलना है यार, एक बार देखना है, नज़दीक से देखना है, मैं रेडी था चिल्लाने के लिए कोहली भाई का नाम, बट स्कैम हो गया यार, चले गए वो लोग अपने अपने रूम्स में, अभी अपन भी चलते हैं यहाँ से, देखते क्या करते हैं। बैक इन द होटल पब्लिक, व्हाट अ क्रेजी डे यार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव स्टेडियम में देखना, एक्सपीरियंस करना, जिंदगी भर के लिए याद रखने वाला मोमेंट है, मैच का मोमेंट तो था ही था, बाकी मेरे लिए भी बहुत सारे मोमेंट्स आए यार, मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले आज, तो मेरा ऐसा रहता है यार, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, कोई काम के लिए जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, मेरा एक हमेशा यार एक प्रेजेंस छोड़ के आना, एक अपना एक ऑरा छोड़ के आना, मेरे को बहुत अच्छा लगता हो, तो आज मैं अपना काम कर रहा था, मैं फुल जोरों शोरों से व्लॉगिंग कर रहा था, अपनी हैदराबादी कमेंट्री कर रहा था, तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले यार, जिस जगह मैं देख रहा था ना मैच, जिस बॉक्स में मैं देख रहा था, फर्स्ट वाले बॉक्स में जब निकला था मैं, उसके बाद बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि भाई आपका एक्सेंट, आपकी लैंग्वेज, आपका तरीका, आप बहुत पसंद है, आपका क्या है चैनल, ये वो सब, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स बना लिए मैंने, बहुत सारे लोग थे यार, बाकी अच्छा लगा यार, इट वॉज अ क्रेजी इनसेन डे, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यार, आई होप आपको ये ब्लॉग के थ्रू मैं मेरे मूवमेंट शेयर करा एंड आप लोगों को पसंद आया ब्लॉग, तो और वर्ल्ड कप के मैचेस भी मैं देखने जाऊंगा यार, मैं लखनऊ आने वाला हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के लिए, बाकी इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो मुंबई में ही है उसमें भी जाऊंगा, और सेमीफाइनल फाइनल आना है, इंडिया डेफिनेटली आ रही तो डेफिनेटली देखने आऊंगा, बाकी लखनऊ वाले जितनी पब्लिक है आओ कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कर सकते हैं लखनऊ में, तो दैट्स इट फॉर द ब्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मेक श्योर हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फेवरेट मूवमेंट कमेंट करो, एंड लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।